हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग सर। तो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बेटा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टार्स के बारे में, और जो ग्रुप ऑफ स्टार मिलके कुछ पैटर्न बनाते हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। एक बार हम सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो सोलर सिस्टम का जो हैवीएस्ट मेंबर है वो कौन सा रहेगा? दैट इज कॉल्ड सन। क्या बताया मैंने? जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व। सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो देखो, रिवॉल्व का मतलब क्या हो गया? घूमना। तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, सन क्या है? हैवीएस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो सन क्या रहता हैवीएस्ट? जितने भी सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं उनमें सबसे हैवीएस्ट कौन है? सन। सन का अगर मैं कहूं मास, कितना है मास? 3,3,3,0,0,0 टाइम्स। कितना बेटा? इतने टाइम्स। क्या कहा? 3,3,3,0,0,0। इतने टाइम्स सन का मास ज्यादा है किससे? अर्थ से। अर्थ से सन का मास इतने गुना ज्यादा है। समझ आ गया? और इसका अगर हम टेम्परेचर देखें बाहर की लेयर का, आउटर कोर, तो इसका टेम्परेचर कितना मिलेगा? 6 डिग्री सेल्सियस। कितना है बेटा? 6,000 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर सन का बाहर की जो लेयर है उसका। अगर सन के इनर कोर अंदर का टेम्परेचर देखें, अंदर की साइड की लेयर का देखिए, तो इसका है 1 डिग्री सेल्सियस। कितना है? इतने डिग्री सेल्सियस क्या है स्टूडेंट्स? इसका टेम्परेचर है 1 के ऊपर कितने है? 1,2,3,4,5,6,7 के आगे 1 लगेगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर है सन के अंदर का साइड, अंदर की कोर का, या इसके इनर पार्ट का। आउटर पार्ट, आउटर जो लेयर है उसका टेम्परेचर ये है और इनर का टेम्परेचर ये है। ये सबसे हैवीएस्ट मेंबर है और इसके अंदर क्या है? इसका मास इससे इतने ज्यादा, अर्थ से इतना ज्यादा बना है। अब देखो, जो सन है बेटा, सन के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। देखो, आपको एटम्स अभी आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं है, इसके बारे में हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार समझ लो कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी होती है सन के अंदर। ओके, तो सन के अंदर ये टेम्परेचर कैसे बना रहता है उसका रीजन ये है। तो इसके अंदर कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती रहती है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर रिएक्शन। सन के अंदर कुछ रिएक्शन, जैसे मान लो दूध से दही बन गया, तो यहां भी क्या हुआ? एक रिएक्शन हो गया, तभी एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है। आगे जाकर रिएक्शन के बारे में समझ लेना, लेकिन आप 8th क्लास के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए लोहे पे जंग लगना, यहाँ पे भी क्या हुई? एक रिएक्शन हुई है, क्योंकि जब लोहे के साथ ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करेंगे तो वहां पे एक नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसको बोलते हैं रस्ट। तो ये क्या हुई? रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी रिएक्शन होती रहती है, तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, कौन से बेटा? इसके अंदर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के एटम होते हैं और वो किसमें कंबाइन होकर क्या बनाते रहते हैं? हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर क्या बनाते रहते हैं? हीलियम। ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाता है? हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होके वहां पे हीलियम जो बन जाता है बेटा, हीलियम एटम्स बन जाते हैं। तो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होके क्या बन जाते हैं? हीलियम के एटम्स। और ये सूरज माना जा रहा है कि 5 के आगे 8, 2 और ये इतने ईयर, इतने ईयर से सूरज चमकता हुआ आ रहा है और नेक्स्ट इतने ही, ठीक है, इतने ही ईयर तक ये क्या है? कंप्लीट चमकता रहेगा।
तो 1,10,000, 10,000 लाख क्या आ गया, 5 लाख। इसका समय कितना हो गया, 5 लाख साल पहले से ये चमकता हुआ आ रहा है, और आगे 5 लाख साल मतलब 5 लाख लाख तक आने वाले समय ईयर तक भी ये चमकता रहेगा। और याद रखो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन, इसके अंदर की जो कोर है, क्या मालूम है, अंदर की जो कोर है, जो इसकी लेयर्स है, उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो जब तक वो हाइड्रोजन एटम, एक तरह से ये माना जा रहा है कि जब तक वो हाइड्रोजन एटम खत्म नहीं होगा ना, तब तक हाइड्रोजन एटम क्या होता जाएगा, कंबाइन होके हीलियम एटम्स बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा, हीलियम एटम। समझ आ गया। अब इसी तरीके से क्या होता जाएगा, ये सूरज हमें, प्लैनेट हमें नजर आता है, और ये माना जाता है बेटा कि जब तक सूरज है तब तक इस पृथ्वी पे जीवन संभव है, हो सकता है उसके बाद जीवन संभव भी ना हो सूर्य के बाद, क्योंकि सूर्य ने ही सारे प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ एक फिक्स जगह पे रोटेट करते हुए नजर आते हैं, और सूर्य के कारण ही प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट जरूरी है, और सूरज के कारण ही ये लगा लो कि जो फसलें जो पकती है, जो सीजन आते हैं, जो टेम्परेचर चेंज होता है, जो ये लगा लो आप, हम कहते हैं कि स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, तो सीजन भी इसी वजह से बनते हैं, और हर एक को अपना टेम्परेचर जो चाहिए होता है बनने के लिए, वो इसी की वजह से हो पाता है। तो ये साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं, ऊपर भी इसे बता रहे हैं। तो देखो बेटा, तो सन के चारों तरफ क्या है, सारे प्लैनेट्स क्या है, रिवॉल्व करते रहते हैं, सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मैं मान के चलती हूँ, मान लो ये है सन, क्या है सन, तो इसके फर्स्ट नंबर पे जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। तो ये अलग अलग क्या हो गए प्लैनेट्स, जो फर्स्ट नंबर पे प्लैनेट है उसको क्या बोलते हैं, मर्करी, मर्करी। तो ये प्लैनेट कौन सा होता है, फर्स्ट नंबर, तो सूर्य के सबसे नजदीक जो प्लैनेट है उसको हम बोलते हैं मर्करी। दूसरे नंबर वाला क्या है, वीनस। तीसरे नंबर पे कौन सा होगा फ्रेंड्स, अर्थ, क्या है, अर्थ। और यहाँ फोर्थ नंबर पे कौन सा होगा, मार्स। अब फिर क्या हो गया, फिफ्थ पे जुपिटर, क्या हो गया, जुपिटर। फिर सैटर्न, सैटर्न। फिर यूरेनस एंड यूएस, यूरेनस। और लास्ट में कौन सा हो गया, नेपच्यून, कौन सा प्लैनेट हो गया, नेपच्यून। ये सारे क्या फ्रेंड्स, प्लैनेट। अब देखो सन के सबसे पास ये मरकरी है, सन के सबसे दूर कौन सा हो गया, नेपच्यून। तो हमें मालूम है कि सबसे ठंडा जगह कहाँ मिलेगी, यही इसी प्लैनेट पे सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट हुआ, सबसे ठंडा प्लैनेट यही हुआ, क्योंकि इसी पे ये सबसे इसके डिस्टेंस से दूर है। तो सूरज का प्रकाश एक तो इन प्लैनेट्स पे गिरेगा, एक इस प्लैनेट पे गिरेगा, हो गया ना। अब देखो ये सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ, क्या होता है, एक फिक्स पाथ जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, क्या बोलते हैं, फिक्स ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व, फिक्स ऑर्बिट पे ये रिवॉल्व करते रहते हैं सारे प्लैनेट्स। और सन के भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, प्लैनेट्स की भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सभी की क्या है, वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी की है, तो उसी के कारण कोई भी प्लैनेट ये नहीं है कि अपने पाथ से ये इधर आगे घूमेगा या ये इधर चला जाएगा, अपने पाथ पर ही ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, अपनी जगह पे ही अपना जो इनका खुद का रास्ता है उसी पे ये गोल गोल घूमते रहते हैं और रोटेट भी होते रहते हैं। तो रोटेशन का अगर मैं आपको बताऊं समझने का कॉन्सेप्ट, देखो बेटा जैसे गाड़ी का टायर तो वो गोल गोल भी घूम रहा है और गाड़ी आगे की तरफ भी जा रही है, गोल घूमते हुए गाड़ी का टायर गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, तब गोल घूमना क्या हो गया, रोटेशन। तो ये रोटेशन भी कर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं और सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रिवोल्यूशन, वो क्या हो गया, रिवोल्यूशन। तो सारे प्लैनेट्स इस सन के चारों तरफ क्या है, खुद भी रोटेशन कर रहे हैं और रिवोल्यूशन भी हो रहा है,
रिवॉल्व भी कर रहे हैं सभी प्लैनेट्स। अब जो ये स्टार्टिंग के फोर प्लैनेट है मरकरी वीनस अर्थ और मार्स, ये प्लैनेट जो है बेटा इन प्लैनेट्स पे क्या नहीं होते रिंग्स, इन प्लैनेट्स पे क्या नहीं होते रिंग्स। तो यहाँ पे मैं भी ये सारे प्लैनेट का बता दिया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखा लिखे बताती हूँ आपको। तो जिस इन प्लैनेट्स को हम डिवाइड कर देते हैं आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट, कौन सा आउटर प्लैनेट और दूसरे वाले आगे इनर इनर प्लैनेट, ठीक है। तो आउटर प्लैनेट कौन से होंगे, इनर प्लैनेट कौन से होंगे, तो ये जो है बेटा मरकरी वीनस अर्थ मार्स, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। और जो मार्स के बाद यहां पर एक पार्ट है आपको बताऊंगी मैं जब वीडियो में करूंगी तब जब ये टॉपिक चलेगा, अभी तो हम सिर्फ इसके मेन मेन बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम की, हर एक प्लैनेट का डिस्कस करेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, मार्स के बाद एक जगह आती है उस जगह को हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट। तो इन प्लैनेट्स को जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स फोर, ये फोर प्लैनेट्स कौन से हो गए आउटर प्लैनेट्स, और ये प्लैनेट्स कौन से हो गए इनर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एक जगह है गैप आता है, तो उनसे ही अंदर वाले इनर प्लैनेट्स और इससे बाहर वाले आउटर प्लैनेट्स, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है एस्टेरॉयड बेल्ट। अब इन प्लैनेट्स कैसे होते हैं बेटा, ये जो प्लैनेट होते हैं ना ऐसे, ये प्लैनेट है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं ऐसे रिंग्स होते हैं, क्या होते हैं रिंग्स होते हैं जो आइस क्रिस्टल से बने हुए होते हैं, ठीक है आइस के क्रिस्टल से, डस्ट डस्ट है आइस क्रिस्टल से, इन सब चीजों से वाटर ड्रॉपलेट्स इन सब चीज से मिलकर वो रिंग्स बने होते हैं। तो जो इनर प्लैनेट्स होते हैं मरकरी वीनस अर्थ मार्स, इन पे रिंग्स नहीं होते, सो इनर में नो रिंग्स। इसमें क्या होता है आउटर प्लैनेट भी फोर है इनर प्लैनेट भी फोर है, इनमें नो रिंग्स, इनमें रिंग्स नहीं होते। और यहां क्या है स्टूडेंट्स, दे हैव रिंग्स, आउटर प्लैनेट भी फोर है इनर प्लैनेट भी फोर है, इन प्लैनेट्स में क्या होते हैं रिंग्स होते हैं जो मैंने बोला आइस क्रिस्टल से डस्ट से बने होते हैं, और इन प्लैनेट्स पे सॉरी इन प्लैनेट्स पे रिंग्स नहीं होते, इन प्लैनेट्स पे क्या होते हैं रिंग्स होते हैं। अब देखो ये प्लैनेट्स है, इन प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट होती है, ठीक है यहाँ पे अब अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है मून है, अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है स्टूडेंट मून है। तो जो फर्स्ट फोर प्लैनेट है इनकी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है लेस नंबर, नेचुरल सैटेलाइट का वो नंबर कितने हैं लेस है, जैसे मरकरी के नेचुरल सैटेलाइट है इस प्लैनेट पे कोई मून नहीं है, तो इन प्लैनेट्स के जो मार्स का जो प्लैनेट है इन प्लैनेट के इन पे लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट है, लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट है और इसमें बहुत ज्यादा नंबर होते हैं लार्ज नंबर, क्या लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। अब ये प्लैनेट होते हैं इनका साइज क्या होता है स्टूडेंट्स, इन प्लैनेट्स का जो जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून इन प्लैनेट्स का साइज क्या होता है बिगर होता है, आउटर प्लैनेट आपको बता नहीं सकते मुझे बार बार आउटर आउटर कौन से होते, सो जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनका साइज क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है इनर वालों का साइज क्या होगा स्मॉल साइज के होते हैं इनर प्लैनेट्स, और जो आउटर प्लैनेट्स है उनका साइज क्या है बिगर बिगर, इन प्लैनेट्स का साइज क्या है फ्रेंड्स बिगर है और इनका क्या होता है स्मॉल होते हैं। ये जो प्लैनेट्स होते हैं बेटा ये मोस्टली बने होते हैं गैसेस से, ये किससे बने होते हैं मेड अप ऑफ गैसेस,
गैसेस। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये बने होते हैं मेटल्स, ठीक है। ये प्लैनेट्स के अंदर ज्यादातर ये प्लैनेट जो होते हैं ये किससे बने होते हैं, मेटल्स, रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स में क्या होता है, रॉक्स है, मिनरल्स है, मेटल्स है, ये मोस्टली चीजों से बने होते हैं इनर प्लैनेट्स। और ये मेड अप ऑफ गैसेस, ये मोस्टली कैसे बनते हैं, गैसेस पे बनते हैं। अच्छा, जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स पे अभी तक जहां पर लाइफ है वो कौन सा प्लैनेट है जहां पर लाइफ है, ये सारा समझना होगा। इनर प्लैनेट्स पे रिंग होते हैं, उनका सैटेलाइट भी कम होती है, उनका साइज स्मॉल होता है, वो मोस्टली मेटल्स, रॉक्स, मिनरल्स, नॉन मेटल्स, इन चीजों से मिलकर बने होते हैं। और ये इसका जस्ट अपोजिट होते हैं। अब जो ये जो प्लैनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट आउटर ऑफ इनर में सारे प्लैनेट्स हैं, सो बिगेस्ट कौन सा प्लैनेट है, दैट इज बिगेस्ट प्लैनेट दैट इज जुपिटर। क्या है बिगेस्ट प्लैनेट, प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट है वो सभी प्लैनेट में, एट के एट प्लैनेट्स में से अगर हम जुपिटर को कहें तो सबसे बड़ा प्लैनेट है। और सबसे छोटा प्लैनेट जो हो गया वो कौन सा फ्रेंड्स, दैट इज मर्करी, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, मर्करी, मर्करी सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा हो गया, मर्करी। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा हो गया, जुपिटर। अगर हम देखें सबसे ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके रिंग्स होते हैं, रिंग्स सभी पे होते हैं लेकिन जिसके रिंग्स बहुत क्लियरली सभी पे नहीं, मैंने क्या बताया कि लास्ट के जो चार प्लैनेट होते हैं मार्स के पास, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उन पे क्या होते हैं रिंग्स, लेकिन सबसे ज्यादा रिंग्स जिसपे दिखते हैं क्लियरली, रिंग्स दिखते हैं साफ सुथरे, वो कौन सा प्लैनेट है। तो रिंग वाला प्लैनेट अगर हम पूछे, द प्लैनेट विच है रिंग्स क्लियरली विजिबल, जो अच्छी तरीके से, तो उसको बोलते हैं सैटर्न। कौन सा प्लैनेट हो गया वो, सैटर्न। अच्छा, एक ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो बिल्कुल जिसके पानी के ऊपर वो तैरता रहेगा, उसकी डेंसिटी बिल्कुल कम है, ऐसा प्लैनेट जो बिल्कुल हल्का है, अगर पानी के ऊपर भी रख देना तो भी वो तैरता रहेगा, तो वो भी कौन सा प्लैनेट हो गया जिसकी लेस डेंसिटी है, तो वो भी कौन सा होगा फ्रेंड, जिसकी लेस डेंसिटी, जो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, वाटर पे तैरता रहेगा, पानी पे इस प्लैनेट को रख दोगे ना तो ये पानी पे तैरता रहेगा, तो उस प्लैनेट को हम क्या बोलते हैं, सैटर्न। ये चीज समझ में आ गई होगी। और सबसे जो कोल्डेस्ट प्लैनेट बोलेंगे, कोल्डेस्ट प्लैनेट जो बोलेंगे वो कौन सा होगा, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट वो सबसे लास्ट वाला फ्रेंड्स, नेपच्यून। क्या बोलेंगे उसको हम, नेपच्यून, टी यू एन ई, नेपच्यून। और हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट अगर देखेंगे वीनस। अब सबसे ज्यादा मिस्टेक यहां करते हैं वीनस की, सभी बच्चे सोचते हैं कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा, सन के पास मरकरी और मरकरी के बाद वीनस आता है, तो सबसे हॉटेस्ट मरकरी मिलेगा, लेकिन मरकरी ये याद रखो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस, मरकरी के बाद वीनस। उसका रीजन ये है कि जो मरकरी जो है उसकी यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, मरकरी जो प्लैनेट है वहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है किस पर, वीनस पे, क्लाउड्स वगैरह है यहाँ पर, तो वहां पे अगर हम देखोगे तो जो इसकी जो हीट है, यहाँ पे ये प्लैनेट क्या है, गर्म तो जल्दी हो गया लेकिन रात को जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन इस प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर होने के कारण वहां पे क्या होगा कि इसकी हीट उस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, जैसे हमारे अर्थ में बेटा, तो अर्थ में क्या है हमारे प्लैनेट पे, तो जो यहाँ पे जो हीट है वो वापस एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ज्यादा मात्रा में,
और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है उसको वापिस एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड उस हीट को वापिस एब्जॉर्ब कर लेगी, तो बाहर अगर हीट नहीं निकलेगी तो वो चीज क्या रहेगी, गर्म रहेगी, तो रात को भी ठंडा नहीं होता। ज्यादा डिफरेंस नहीं है मरकरी और वीनस के जो हॉट का थोड़ा ही डिफरेंस है, तो थोड़ा मरकरी वीनस से उससे ज्यादा हॉटर है मरकरी के कंपेरिजन में, क्योंकि वो ज्यादा कुछ मान लो हम घर की सारी खिड़कियां खुले छोड़ के और घर में रूम हीटर लगा रखा है, ठीक है, तो घर से जो हीट है हीटर की वो खिड़कियों से बाहर जाएगी, विंडो से बाहर जाएगी। अगर उसी हीटर को हमने क्लोज रूम में कर रखा है जहाँ पे सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हो तो हीट नहीं जाएगी और घर जो आप जिस कमरे में लगा रखा है वहां का टेम्परेचर आपको ज्यादा लगेगा। तो सेम ऐसे ही अगर किसी प्लैनेट की हीट बाहर नहीं जा पाएगी तो प्लैनेट गर्म रहेगा, तो दिन में भी वो जल्दी गर्म हो जाएगा और रात को वो ठंडा होगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा हो गया हमारा, दैट इज कौन सा हो गया बेटा, मरकरी के बाद वीनस, कभी आप लगाओ। तो और कोई प्लैनेट अगर वो प्लैनेट अर्थ के बिल्कुल पास है, तो याद रखो स्टूडेंट अगर मेरे पास कोई चीज है, मुझे मेरे अगर मैं कहूँ कि मेरे चारों तरफ चक्कर लगाओ, तो मैंने अगर किसी स्टूडेंट को मेरे पास खड़ा कर रखा है तो वो मेरा चक्कर एक जल्दी कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जो सबसे दूर खड़ा कर रखा है वो मेरे चारों तरफ अगर चक्कर लगाने की कोशिश करेगा तो स्टूडेंट को, मैंने एक को यहाँ खड़ा कर दिया, दूसरे को यहाँ कर दिया, तीसरे को यहाँ पे, चौथे को उससे पीछे, तो जो सबसे लास्ट में होगा जो एट नंबर पे खड़ा कर रखा है और उनका अपना एक जगह जो घूमने की अगर मैं लगा देती हूँ इसी पाथ पे आपको घूमना है तो उसको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो सबसे कम समय में मरकरी है जो सन के चारों तरफ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने दिन में कर लेता है, 88 डेज, 88 डेज में ये कंप्लीट सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगा लेता है, कितने डेज स्टूडेंट, 88 डेज। और हमारा अर्थ कितना डेज लेता है, अर्थ कितना लेता है स्टूडेंट, 365 से थोड़ा सा क्या है 0.4, थोड़ा सा ज्यादा है, आप 1/4 बोल दो इसको, ठीक, 365 के बाद एक दिन का चौथा हिस्सा, ठीक है, इतने पॉइंट और ऊपर ले लेता है ये, ठीक है, 365 तभी तो ये 1/4, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे का फोर्थ हिस्सा लगा रहा, तो फोर्थ हिस्सा यहाँ पे इतना टाइम और ऊपर हो जाता है 365 के बाद थोड़ा सा और कटे, तो ये 24 आवर्स को हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 6 के 6 पार्ट अगर हम इकट्ठे करें तो लास्ट 3 के बाद जब फोर्थ ईयर आ जाता है तो उसमें हम कितना डे बोलते हैं, 366 डेज बोल देंगे फोर्थ ईयर में, क्योंकि ये 1/4 1/4 यानी एक दिन का चौथा हिस्सा, तो चौथे 4/4 हिस्से हमने अगर रख लेते हैं तो एक दिन कंप्लीट बच जाता है, ठीक है। तो एक डे का 365 डेज तो लगते ही है लेकिन ऊपर थोड़ा सा टाइम और लग जाता है, 0.6 करेंगे तो उसमें यहाँ पे 4 कंप्लीट हो जाएगा, तो 6/4 से कितना होगा स्टूडेंट, 24, 6 घंटे और ऊपर लग जाएंगे, तो 24 में मतलब एक दिन और कंप्लीट हो गया, तो इसलिए हम बोलते हैं लीप ईयर, लीप ईयर में कितने हो गए 366 डेज। तो इसी तरीके से अर्थ के बाद अगर आप नेक्स्ट प्लैनेट बोलोगे, उससे नेक्स्ट प्लैनेट लगाओगे तो उससे ज्यादा हम क्या है समय लगाते रहेंगे। और कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसपे केवल लाइफ पॉसिबल है, तो लाइफ पॉसिबल है अभी तक जिस प्लैनेट पर लाइफ है वो कौन सा प्लैनेट है फ्रेंड्स, दैट इज अर्थ। अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है, यूनिक प्लैनेट। अब कोई पूछे जिससे अगर हमें ये लगता है कि अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्यों बेटा, क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में, सही अमाउंट में ऑक्सीजन गैस है और अदर गैसेस जैसे आप कह रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, आर्गन, हीलियम, मैं सिंपल लिख रही हूँ सभी के लिए, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी जो गैसेस है इनकी कंसंट्रेशन क्या है, इनकी जो मात्रा है वो सही है,
कोई ना ही ज्यादा अधिक है ना ही ज्यादा कम है। और इसी तरीके से अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ मतलब अर्थ एक हमें मालूम है कि एक अर्थ, एक अर्थ भी सभी चीज को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो इसी के कारण ही सारे प्लैनेट अगर आप देखोगे अर्थ के ऊपर पानी है, आपने आप खड़े हो, भूख है, खाना है, वो सब अपनी अपनी जगह पर पड़ा होता है। नहीं तो सारी क्या होता है बेटा, हवा के अंदर जैसे यूनिवर्स, हमारे साइंटिस्ट जैसे एस्ट्रोनॉमर जिनको हम बोलते हैं, तो वो स्टडी किसके करते रहते हैं, उनकी साइंस जैसे ये स्पेस के बारे में स्टडी करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से प्रॉपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और वाटर, और क्या है फ्रेंड, वाटर। तो वाटर, ग्रेविटी, अदर गैसेस, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें क्या हो गया, प्लांट्स, ये सारी चीजें क्या है, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। इसीलिए अर्थ के ऊपर क्या है बेटा, वाटर, अर्थ क्या है, यूनिक प्लैनेट है, बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। हाँ, मरकरी ये जो है, वीनस जिसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, सो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, वीनस इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सिस्टर किसको कहा जाता है, वीनस को, किसको कहा जाता है, अर्थ की सिस्टर, अर्थ की बहन किसको कह देते हैं बेटा, सिस्टर, दैट इज वीनस को। और बाद में एक और डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लैनेट है जहां पर पानी की खोज हो रही है, कि माना जा रहा है कि किसी समय पे यहाँ पे भी शायद जीवन संभव हो सकता है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन है बेटा, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट प्लैनेट, कौन सा क्वेश्चन है आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताओगे, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का। सो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।